और साथ में दिए गए बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि सर्कुलर लिस्ट को क्रिएट कैसे करते हैं और इसमें नोट कैसे इंसर्ट करते हैं अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले आप वो वीडियो देख सकते हैं उस वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में है लेकिन हमने ये डिस्कस नहीं किया था कि डब्लू सर्कुलर लिंक लिस्ट के एलिमेंट्स को स्क्रीन पे प्रिंट कैसे करवाते हैं तो डब्ल्यू सर्कुलर लिंक लिस्ट के एलिमेंट्स को स्क्रीन पे प्रिंट करवाने के लिए भी सेम वही कोड है जो कि हमने डिस्कस किया था सिंगली सर्कुलर लिंक लिस्ट के एलिमेंट्स को स्क्रीन पे प्रिंट करवाने के लिए तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो वीडियो देख सकते हैं उस वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में में है तो सबसे पहले देखते हैं एट बिगनिंग अब सर्कुलर लिस्ट के स्टार्ट किसी भी नोट को इंजर्ट करने के लिए सेम वही कोड है जो कि हमने डिस्कस किया था डब्लू सर्कुलर लिंक लिस्ट में किसी भी न्यू नोट को इंजर्ट करने के लिए क्योंकि आपको पता है कि हम डब्ल्यू सर्कुलर लिंक लिस्ट में जो भी न्यू नोट इंजर्ट करते हैं वो न्यू नोट डब्लू सर्कुलर लिंक लिस्ट के स्टार्ट में ही इंसर्ट होती है तो मैं इस कोड को सिंपली कॉपी करूंगी और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगी और फंक्शन का नेम चेंज करके इंजर्ट एट बिगनिंग रख दूंगी अब इस कोड को मोर एफिशिएंट बनाने के लिए अब क्या कर सकते हैं ये जो रिडंडेंट इनिशियलाइजेशन है ना जिसमें हम न्यू नोट की नेक्स्ट और प्रीवियस पॉइंटर की वैल्यूज को इनिशियलाइज कर रहे हैं नल से और इफ एंड एल स्टेटमेंट में अगेन हम न्यू नोट के नेक्स्ट पॉइंटर और प्रीवियस पॉइंटर की वैल्यूज को अपडेट कर रहे हैं तो ये जो रिडंडेंट इनिशियलाइजेशन है ना इसको आप यहाँ से स्किप कर सकते हैं जिससे आपका कोड ज्यादा एफिशिएंट हो जाएगा तो स्टार्ट में आप प्रीवियस और नेक्स्ट पॉइंटर की वैल्यूज को नल से इनिशियलाइज करें या ना करें इसका कोड की वर्किंग पे कोई इफेक्ट नहीं होगा बस ये है कि इस रिडंडेंट इनिशियलाइजेशन को स्किप करने से आपका कोड ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएगा और आपको पता है कि एक कोड ज़्यादा एफिशिएंट तभी होता है अगर उसको रन होने के लिए कम टाइम और कम स्पेस रिक्वायर हो तो प्रीवियस वीडियो में इंसर्ट फंक्शन को डिस्कस करते वक्त मैंने न्यू नोट के नेक्स्ट टू तो प्रीवियस वेरिएबल को नल से इनिशलाइज़ किया था लेकिन इस वीडियो में इंसर्ट एट बिगनिंग फंक्शन को डिस्कस करते वक्त मुझे लगा कि ये इनिशियलाइजेशन रिडंडेंट है इन पॉइंटर्स को स्टार्ट में नल से इनिशियलाइज करने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि आगे ए फर एल स्टेटमेंट में जाके हमने इन पॉइंटर्स की वैल्यूज़ को अपडेट तो करना ही है तो मैंने इस रिडंडेंट इनिशियलाइजेशन को तो स्किप कर दिया अपने कोड को मोर एफिशिएंट बनाने के लिए बाकी सारे कोड को बड़ी डिटेल से ऑलरेडी हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह से न्यू नोट डब्ली सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट के स्टार्ट में इन्जर्ट होगी तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो वीडियो देख सकते हैं उस वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में है तो इस फंक्शन को कॉल करेंगे मेन फंक्शन में फंक्शन को कॉल करने के लिए सिंपली एंटर करते हैं फंक्शन का नेम इंसर्ट एट बिगनिंग और वो वैल्यू पास करेंगे जो कि हमने डब्ल्यू सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट के स्टार्ट में इंसर्ट करनी है नेक्स्ट अब डिस्कस करेंगे इंसर्शन एट एंड तो उसके लिए हम यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं फंक्शन को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले एंटर करते हैं फंक्शन की रिटर्न टाइप अब यहाँ पे मैंने फंक्शन के रिटर्न टाइप में वॉइड लिखा है क्योंकि ये फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा जस्ट डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट के एंड में नोट को इंजर्ट करेगा इसके बाद में एक पैरामीटर डिक्लेयर करेंगे इन टेन तो इस फंक्शन को कॉल करते वक्त हम जो भी वैल्यू पास करेंगे वो होगी, को. इसके बाद हम सबसे पहले एक न्यू नोट क्रिएट करेंगे तो न्यू नोट क्रिएट करने के लिए सिंपली एंटर करते हैं न्यू की और स्ट्रक्चर का नेम दैट इज नोट क्योंकि नोड का स्ट्रक्चर ऑलरेडी हमने डिफाइन किया हुआ है कि एक नोड में क्या होगा डाटा वेरिएबल प्रीवियस पॉइंटर और नेक्स्ट पॉइंटर तो यहाँ पे एंटर करेंगे स्ट्रक्चर का नेम दैट इज नोड तो जैसे ही हम न्यू कीवर्ड और स्ट्रक्चर का नेम एंटर करेंगे तो एक न्यू नोट क्रिएट हो जाएगी नेक्स्ट अब इस न्यूली क्रिएटेड नोट को पॉइंट करने के लिए हम यहाँ पे एक पॉइंटर डिक्लेयर करेंगे अब पॉइंटर को डिक्लेयर कैसे करेंगे आपको पता है पॉइंटर डिक्लेयर करने के लिए एंटर करते हैं स्टेरसिक ऑपरेटर पॉइंटर का नेम पॉइंटर का नेम न्यू नोड रख लेते हैं और यहाँ पे एंटर करते हैं पॉइंटर की डाटा टाइप कि ये पॉइंटर किस टाइप के वेरिएबल को पॉइंट करेगा अब ये पॉइंटर क्योंकि एक नोड को पॉइंट करेगा और नोड का स्ट्रक्चर हमने ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है तो डाटा टाइप में सिंपली एंटर करेंगे स्ट्रक्चर का नेम दैट इज नोड इसके बाद इस न्यूली क्रिएटेड नोड की डाटा वेरिएबल को एक्सेस करेंगे इस न्यू नोड पॉइंटर को यूज करते हुए न्यू नोड एरो ऑपरेटर डाटा और इस डाटा वेरिएबल को असाइन करेंगे एन की वैल्यू अब यहाँ पे ये कोड सेम है तो सिंपली मैं इस कोड को कॉपी करूंगी और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगी अब यहाँ पे मैंने पहले हेड पॉइंटर को इनिशियलाइज किया है न्यू नोट से और फिर मैंने न्यू नोट के नेक्स्ट और प्रीवियस पॉइंटर की वैल्यूज को अपडेट किया है हेड से यानी न्यू नोट से तो इस कोड को इस तरह लिखने की बजाय आप सिंपली इस तरह भी लिख सकती हैं कि न्यू नोट के नेक्स्ट पॉइंटर की वैल्यू को अपडेट कर रहे हैं हम न्यू नोट से इसके बाद न्यू नोट के प्रीवियस पॉइंटर की वैल्यू को हम अपडेट कर रहे हैं न्यू नोट से और फिर फाइनली हम हेड पॉइंटर की वैल्यू को भी अपडेट कर रहे हैं न्यू नोट से तो चाहे आप कोड को इस तरह लिखें या इस तरह लिखें बात एक ही है बस डिफरेंस ये है कि इस कोड में पहले हम हेड पॉइंटर की वैल्यू को न्यू नोट से अपडेट कर रहे हैं फिर न्यू नोट के नेक्स्ट और प्रीवियस पॉइंटर की वैल्यूज को अपडेट करने के लिए हम हेड पॉइंटर को यूज कर रहे हैं जबकि इस कोड में हम पहले हेड पॉइंटर की वैल्यू को अपडेट नहीं कर रहे हम न्यू नोट पॉइंटर से ही न्यू नोट के नेक्स्ट पॉइंटर को प्रीवियस पॉइंटर को और हेड पॉइंटर की वैल्यूज को अपडेट कर रहे हैं अब आप देखें कि इन दोनों कोड्स का काम एक ही है चाहे हम पहले हेड पॉइंटर की वैल्यू को न्यू नोट से अपडेट कर दें फिर हम न्यू नोट के नेक्स्ट और प्रीवियस पॉइंटर की वैल्यूज को हेड पॉइंटर से यानी न्यू नोट से अपडेट करें या फिर हम स्टार्ट में हेड पॉइंटर की वैल्यू को न्यू नोट से अपडेट ना करें बल्कि न्यू नोट से ही न्यू नोट के नेक्स्ट प्रीवियस और हेड पॉइंटर की वैल्यूज को अपडेट कर दें अब ऑल दो यहाँ पे भी न्यू नोट काल्फ न्यू नोट को ही पॉइंट कर रहा है क्योंकि स्टार्ट में हमने हेड पॉइंटर को न्यू नोट से इनिशलाइज कर दिया है लेकिन देखने वाले को अचानक से यही समझ आएगी कि न्यू नोट का नेक्स्ट और प्रीवियस पॉइंटर हेड को पॉइंट कर रहा है तो इस कोड से ज्यादा क्लैरिटी शो हो रही है

तो फिर हम क्या करेंगे न्यू नोट के नेक्स्ट पॉइंटर को भी इनिशियलाइज करेंगे न्यू नोट से और न्यू नोट के प्रीवियस पॉइंटर को भी इनिशियलाइज करेंगे न्यू नोट से क्योंकि आपको पता है कि अगर डब्ली सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट में सिर्फ एक ही नोड है दूसरी कोई नोड नहीं है तो नेक्स्ट पॉइंटर भी सेम उसी नोट को पॉइंट करता है और प्रीवियस पॉइंटर भी सेम उसी नोट को पॉइंट करता है इसके बाद हम हेड पॉइंटर की वैल्यू को अपडेट कर रहे हैं न्यू नोट से क्योंकि अगर पहले डब्ली सर्कुलर लिंक लिस्ट टेम्पटी है तो इट मीन्स कि हेड पॉइंटर की वैल्यू नल होगी क्योंकि जब डब्ली सर्कुलर लिंक लिस्ट टेम्पटी थेंग्ट होती है तो हेड पॉइंटर की वैल्यू नल होती है लेकिन अब हमने क्योंकि डब्ली सर्कुलर लिंक लिस्ट में एक नोड इंजर्ट कर दी है तो अब हेड पॉइंटर की वैल्यू को हम अपडेट कर रहे हैं न्यू नोड से तो अगर हेड पॉइंटर की वैल्यू नल के इक्वल टू है तो ये कोड एग्जीक्यूट होगा लेकिन अगर हेड पॉइंटर की वैल्यू नल के इक्वल टू नहीं है तो इट मीन्स कि डब्ल्यू सर्कुलर लिंक लिस्ट एमपिटी नहीं है इसमें ऑलरेडी नोड्स है तो अगर डब्ल्यू सर्कुलर लिंक लिस्ट में पहले से नोड्स हैं तो फिर हम इस न्यू नोट को डब्ल्यू सर्कुलर लिंक लिस्ट के एंड में कैसे इन्जर्ट करेंगे तो फिर हम यहाँ पे यूज करेंगे एल स्टेटमेंट का अब यहाँ पे एल स्टेटमेंट में भी सेम वही कोड है जो कि हमने एंटर किया था इनजर्ट एट बिगनिंग फंक्शन में तो सिंपली मैंने इस कोड को कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया बस छोटा सा डिफरेंस है कि इंजर्ट एट एंड फंक्शन में हम इस लाइन को कट कर देंगे जिसमें हम हेड पॉइंटर की वैल्यू को अपडेट कर रहे हैं न्यू नोट से अब आप देख सकते हैं कि एट 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 बिगनिंग फंक्शन 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 और एंड एंड ऑलमोस्ट सेम है बस में हम हेड पॉइंटर की वैल्यू को न्यू नोट से अपडेट नहीं करेंगे तो नेक्स्ट अब इस एल स्टेटमेंट को देख लेते हैं कि एल स्टेटमेंट में जो ये कोड लिखा हुआ है ये कोड किस तरह से वर्क कर रहा है तो यहाँ पे हमने एक लास्ट पॉइंटर डिक्लियर किया है

इसके बाद न्यू नोड का नेक्स्ट इनिशियलाइज होगा head से, यानी न्यू लास्ट से. से यानी फाइव से देन हेड प्रीवियस इनिशियलाइज होगा न्यू नोड से. से तो इस तरह से ये न्यू नोट फाइव इस डब्ल्यू सर्कुलर लिंक लिस्ट के एंड में इंजर्ट होगी तो डब्ल्यू सर्कुलर लिंक लिस्ट के एंड में नोड इंजर्ट करने के लिए हमने फंक्शन क्रिएट कर लिया है नेक्स्ट अब इस फंक्शन को कॉल करेंगे मेन फंक्शन में और वो वैल्यू पास करेंगे जो कि हमने डब्ल्यू सर्कुलर लिंक लिस्ट के एंड में इंजर्ट करनी है इसके बाद डिस्कस करेंगे इंजर्ट एट पोजिशन फंक्शन को तो उसके लिए भी यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं सबसे पहले एंटर करेंगे फंक्शन की रिटर्न टाइप इसके बाद एंटर करेंगे फंक्शन का नेम तो फंक्शन का नेम इंजर्ट एट पोजिशन रख लेते हैं अब यहाँ भी हम दो पैरामीटर्स डिक्लेयर करेंगे इंड पोजिशन एंड एद इंड एन कि हमने किस पोजिशन पे एलिमेंट को इन्जर्ट करना है और क्या एलिमेंट इन्जर्ट करना है अब यहाँ पे हम कंडीशन एंटर करेंगे एफ पोजिशन इक्वल टू वन कि अगर पोजिशन की वैल्यू वन के इक्वल टू है तो इट मीन्स कि हमने पोजिशन वन पे न्यू नोट को इन्जर्ट करना है अब अगर हमने पोजिशन वन पे न्यू नोट को इन्जर्ट करना है तो उसके लिए हमने ऑलरेडी फंक्शन क्रिएट किया हुआ है इन्जर्ट एट बिगनिंग तो यहाँ पे सिंपली हम इंसर्टेड बिगनिंग फंक्शन को कॉल करेंगे और एन की वैल्यू पास कर देंगे तो जैसे ही इंसर्टेड बिगनिंग फंक्शन कॉल होगा तो ये एन की वैल्यू पास होगी और प्रोग्राम का कंट्रोल इस फंक्शन पे आ जाएगा फंक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद प्रोग्राम का कंट्रोल यहाँ बैक आ जाएगा और इसके बाद हम एंटर करेंगे रिटर्न की वर्ड तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद प्रोग्राम का कंट्रोल इस फंक्शन को एग्जिट कर दे और इस फंक्शन में लिखा हुआ कोड फर्दर एग्जीक्यूट ना हो लेकिन अगर पोजीशन की वैल्यू वन के इक्वल टू नहीं है तो इट मींस कि हमने पोजीशन वन पे नहीं बल्कि किसी और पोजीशन पे न्यू नोट को इंसर्ट करना है तो उसके लिए हम यहाँ पे कोड एंटर करेंगे अब यहाँ पे भी ये कोड सेम है तो मैंने सिंपली इस कोड को कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया जिसमें हम एक न्यू नोट क्रिएट कर रहे हैं उस न्यू नोट को पॉइंट करने के लिए न्यू नोट पॉइंटर क्रिएट कर रहे हैं और न्यू नोट के डाटा वेरिएबल को असाइन कर रहे हैं की वैल्यू अब अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी है जिसमें हमने डिस्कस किया था इनजर्शन एट स्पेसिफिक पोजिशन इन अ सिंगली सर्कुलर लिंक लिस्ट तो उसमें जो ये कोड हमने एंटर किया था यही सेम कोड यहाँ भी एंटर होगा तो मैंने इस कोड को कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया तो इस कोड में एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं एक टेम्परे पॉइंटर डिक्लेयर कर रहे हैं और इस स्टेम्प पॉइंटर को इनिशलाइज कर रहे हैं हेड है है से इसके बाद एक काउंट वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं और काउंट वेरिएबल को इंडिशलाइज कर रहे हैं वन से इसके बाद हमने वाइल्ड लूप का यूज़ किया है और कंडीशन एंटर की है काउंट इज लेस देन पोजिशन माइनस वन एंड टेम्प नेक्स्ट नॉट इक्वल टू हेड कि यह वाइल्ड लूप तब तक रन होगा जब तक ये दोनों कंडीशन ट्रू हैं अगर इन दोनों कंडीशन में से कोई एक भी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये वाइल्ड लूप रन नहीं होगा और इस वाइल्ड लूप की बॉडी में हम टेम्प पॉइंटर की वैल्यू को अपडेट कर रहे हैं टेम्प नेक्स्ट से और काउंट वेरिएबल की वैल्यू में इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो इस वाइल्ड लूप को एक्चुअली हम यूज़ कर रहे हैं कि जिस भी पोजिशन पर हमने न्यू नोट को इन्जर्ट करना है उस पोजिशन से प्रीवियस पोजिशन की नोट को एक्सेस करने के लिए यानी पोजिशन माइनस वन की नोट को एक्सेस करने के लिए क्योंकि ऑब्वियसली पोजिशन माइनस वन की नोट को एक्सेस करेंगे देन हम उस डिजायर्ड पोजिशन पर नोट को इन्जर्ट करेंगे लेकिन अगर हमें पोजिशन माइनस वन की नोट नहीं मिलती और ये कंडीशन ट्रू हो जाती है कि टेम्प नेक्स्ट इक्वल टू हेड एंड काउंट इज लेस दैन पोजिशन माइनस वन तो स्क्रीन पे प्रिंट होगा इन वैलिड पोजिशन और स्क्रीन पे मैसेज डिस्प्ले होने के बाद रिटर्न की वर्ड का यूज करने से प्रोग्राम का कंट्रोल इस फंक्शन को एग्जिट कर देगा यानी स्क्रीन पे मैसेज डिस्प्ले होने के बाद इस प्रोग्राम में लिखा हुआ फर्दर कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा और प्रोग्राम का कंट्रोल फंक्शन से बाहर आ जाएगा लेकिन अगर हम पोजिशन माइनस वन की नोट को एक्सेस कर लेते हैं तो पोजिशन माइनस वन की नोट को एक्सेस करने के बाद डिजायर्ड पोजिशन पे नोट को इंसर्ट करने के लिए हम यहाँ पे कोड एंटर करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले एक पॉइंटर डिक्लेयर करेंगे अब पॉइंटर को डिक्लेयर कैसे करते हैं आपको पता है पॉइंटर डिक्लेयर करने के लिए एंटर करते हैं एज टेरिस ऑपरेटर पॉइंटर का नेम पॉइंटर का नेम नेक्स्ट नोड रख लेते हैं और यहाँ पे एंटर करते हैं पॉइंटर की डेटा टाइप तो पॉइंटर की डेटा टाइप में नोड एंटर करेंगे नेक्स्ट हम इस पॉइंटर को इनिशलाइज करेंगे टेम्प नेक्स्ट से इसके बाद हम न्यू नोट के नेक्स्ट पॉइंटर की वैल्यू को अपडेट करेंगे नेक्स्ट नोट से देन न्यू नोट के प्रीवियस पॉइंटर की वैल्यू को अपडेट करेंगे टेम्प से इसके बाद टेम्प नेक्स्ट को हम इनिशियलाइज करेंगे न्यू नोट से और न्यू नोट के और नेक्स्ट नोट के प्रीवियस पॉइंटर की वैल्यू को अपडेट करेंगे न्यू नोट से तो किसी भी स्पेसिफिक पोजिशन पर नोट को इंसर्ट करने के लिए हमने फंक्शन क्रिएट कर लिया है नेक्स्ट इस फंक्शन को कॉल करेंगे मेन फंक्शन में तो फंक्शन को कॉल करने के लिए सिंपली एंटर करेंगे फंक्शन का नेम इंसर्ट एट पोजिशन और यहाँ पे पोजीशन और एन की वैल्यू पास करेंगे तो पोजीशन की वैल्यू फोर पास कर देते हैं और एलिमेंट भी फोर ही पास कर देते हैं तो जैसे ये फंक्शन कॉल होगा प्रोग्राम का कंट्रोल इस फंक्शन पे आ जाएगा फोर असाइन होगा इस पोजीशन वेरिएबल को और फोर असाइन होगा इस वेरिएबल को कंडीशन चेक होगी पोजिशन इक्वल टू वन कंडीशन फॉल्स है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी इसके बाद प्रोग्राम का कंट्रोल यहाँ आ जाएगा एक न्यू नॉट क्रिएट होगी और न्यू नॉट पॉइंटर पॉइंट करेगा इस न्यूली क्रिएटेड नोट को देन इस न्यू रोड की डेटा वेरिएबल को असाइन होगी एन की वैल्यू यानी फोर इसके बाद टेम्प पॉइंटर इनिशियलाइज होगा हेड से यानी नॉट वन से काउंट वेरिएबल इनिशियलाइज होगा वन से देन ये वाइल उपरा होगा कंडीशन चेक होगी काउंट इज लेस दैन पोजिशन माइनस वन एंड टेम्प नेक्स्ट नॉट इक्वल टू हेड तो पोजिशन की वैल्यू है फोर एंड फोर माइनस वन इज थ्री अभी काउंट की वैल्यू है वन वन इज़ लेस देन थ्री ये कंडीशन ट्रू है सेकेंड कंडीशन भी ट्रू है क्योंकि टेम्प नेक्स्ट की वैल्यू हेड के इक्वल टू नहीं है दोनों कंडीशन ट्रू हैं तो प्रोग्राम का कंट्रोल इस वाइल लूप की बॉडी में एंटर होगा और टेम्प वेरिएबल की वैल्यू अपडेट होगी टेम्प नेक्स्ट से तो अभी टेम्प पॉइंटर पॉइंट करेगा नोट टू को इसके बाद काउंट की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा तो काउंट की वैल्यू टू हो जाएगी अगेन ये वाइल लूप रन होगा कंडीशन चेक होगी अब काउंट की वैल्यू है टू टू इज लेस देन थ्री ये कंडीशन ट्रू है सेकेंड कंडीशन भी ट्रू है दोनों कंडीशन ट्रू है तो टेम्प पॉइंटर की वैल्यू अपडेट होगी और टेम पॉइंटर पॉइंट करेगा नोट थ्री को इसके बाद काउंट की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा तो काउंट की वैल्यू थ्री हो जाएगी अगेन ये अगेनुप रन होगा कंडीशन चेक होगी अब काउंट की वैल्यू है इज लेस देन ये कंडीशन फॉल्स है अब अगर फर्स्ट कंडीशन ही फॉल्स हो जाती है तो सेकेंड कंडीशन तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि अगर इन दोनों में से एक भी कंडीशन फॉल्स है तो ये यह लूप रन नहीं होगा और प्रोग्राम का कंट्रोल इस लूप से बाहर आ जाएगा अब आप देखेंगे इस वाइल लुक को हमने रन किया था पोजिशन माइनस वन की नोट को एक्सेस करने के लिए और हमने पोजिशन माइनस वन की नोट को एक्सेस कर लिया है क्योंकि अभी पॉइंटर पॉइंट कर रहा है पोजिशन माइनस वन की नोट को यानी नोट थ्री को इसके बाद ही कंडीशन चेक होगी इफ टेम्प नेक्स्ट इक्वल टू हेड तो टेम्प नेक्स्ट की वैल्यू हेड के इक्वल टू नहीं है फर्स्ट कंडीशन इफ फॉल्स हो गई है तो सेकंड कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी नेक्स्ट प्रोग्राम का कंट्रोल यहाँ आ जाएगा और नेक्स्ट नोट पॉइंटर पॉइंट करेगा टेम्प नेक्स्ट को अभी टेम्प पॉइंटर पॉइंट कर रहा है नोट थ्री को और नोट थ्री के नेक्स्ट वेरिएबल में स्टोर है नोट फाइव का मेमोरी एड्रेस तो इट मींस कि नेक्स्ट नोट पॉइंटर पॉइंट करेगा नोट फाइव को इसके बाद न्यू नोट का नेक्स्ट वेरिएबल इनिशलाइज होगा नेक्स्ट नोट से यानी नोट फाइव से देन न्यू नोट के प्रीवियस पॉइंटर की वैल्यू अपडेट होगी टेम्प से यानी नोट थ्री से इसके बाद टेम्प नेक्स्ट इनिशलाइज होगा न्यू नोट से यानी नोट फोर से और नेक्स्ट नोट का प्रीवियस पॉइंट होगा न्यू नोट से यानी 4 से। तो इस तरह से हमने नोट फोर को पोजीशन फोर पे इंसर्ट कर दिया। है तो अब आपको इस कोर्ट की समझ आ गई होगी अगेन इस इंजर्ट एड पोजिशन फंक्शन को कॉल कर करेंगे और पोजिशन की वैल्यू सेवन पास करेंगे और एन की वैल्यू एट पास कर देते हैं अब आप देखें कि हमें पोजिशन सेवन पे नोट को इन्जर्ट करने के लिए पोजिशन माइनस वन की यानी पोजिशन सिक्स की नोट को एक्सेस करना होगा लेकिन पोजिशन सिक्स की नोट तो इस सर्कुलर लिंक लिस्ट में एग्जिस्ट नहीं करते लेकिन फिर भी ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा प्रोग्राम का कंट्रोल इस फंक्शन पे आ जाएगा सेवन असाइन होगा इस पोजिशन वेरिएबल को एट असाइन होगा इस सन वेरिएबल को कंडीशन चेक होगी पोजिशन इक्वल टू वन कंडीशन फॉल्स है तो प्रोग्राम का कंट्रोल यहाँ आ जाएगा अब यहाँ पे न्यू नोट क्रिएट होगी न्यू नोट पॉइंटर पॉइंट करेगा इस न्यूली क्रिएटेड नोट को न्यूली क्रिएटेड नोट के डेटा वेरिएबल को एन यानी एट असाइन होगा इसके बाद टेन पॉइंटर इनिशलाइज होगा हेड से काउंट वेरिएबल इनिशलाइज होगा वन से देन ये वाइल्ड लुक रन होगा कंडीशन चेक होगी काउंट इज लेस देन पोजिशन माइनस वन अभी काउंट की वैल्यू है वन और पोजिशन माइनस वन इज सिक्स वन इज लेस देन सिक्स ये कंडीशन ट्रू है सेकंड कंडीशन भी ट्रू है दोनों कंडीशन ट्रू है तो प्रोग्राम का कंट्रोल इस लूप की बॉडी में एंटर होगा और टेम पॉइंटर की वैल्यू अपडेट होगी तो अब टेम पॉइंटर पॉइंट करेगा नोट टू को इसके बाद काउंट की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा तो काउंट की वैल्यू टू हो जाएगी अगेन ये रन होगा कंडीशन चेक होगी अब काउंट की वैल्यू है, 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 है तो टेम पॉइंटर की वैल्यू अपडेट होगी और टेम पॉइंटर पॉइंट करेगा नोट थ्री को इसके बाद काउंट की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा तो काउंट की वैल्यू थ्री हो जाएगी अगेन ये वायल नुप रन होगा कंडीशन चेक होगी अब काउंट की वैल्यू है थ्री एंड थ्री इज लेस देन सिक्स ये कंडीशन ट्रू है सेकंड कंडीशन भी ट्रू है दोनों कंडीशन ट्रू है तो टेम पॉइंटर की वैल्यू अपडेट होगी और टेम पॉइंटर पॉइंट करेगा नोट फोर को इसके बाद काउंट की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा तो काउंट की वैल्यू फोर हो जाएगी अगेन ये वायल नुप रन होगा कंडीशन चेक होगी अब काउंट की वैल्यू है फोर एंड फोर इज लेस देन सिक्स ये कंडीशन ट्रू है सेकंड कंडीशन भी ट्रू है दोनों कंडीशन ट्रू है तो पॉइंटर की वैल्यू अपडेट होगी और टेम पॉइंटर पॉइंट करेगा नोट फाइव को इसके बाद काउंट की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा और काउंट की वैल्यू फाइव हो जाएगी अगेन रन होगा कंडीशन चेक होगी अब काउंट की वैल्यू है एंड इज लेस देन कंडीशन तो ट्रू है लेकिन सेकंड कंडीशन देखें तो अभी पॉइंटर पॉइंट कर रहा है नोड फाइव को और नोड फाइव के नेक्स्ट वेरिएबल में स्टोर है नोड वन का मेमोरी एड्रेस और हेड पॉइंटर में भी स्टोर है नोड वन का मेमोरी एड्रेस इट मीन्स कि टेम्प नेक्स्ट की वैल्यू हेड के इक्वल टू है तो अगर टेम्प नेक्स्ट का पॉइंटर भी नोट वन को पॉइंट कर रहा है और हेड पॉइंटर भी नोट वन को पॉइंट कर रहा है तो इट मीन्स कि टेम्प नेक्स्ट की वैल्यू हेड के इक्वल टू है यानी ये सेकेंड कंडीशन फॉल्स है तो अगर इन दोनों में से कोई एक भी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो प्रोग्राम का कंट्रोल इस लूप से बाहर आ जाएगा नेक्स्ट ये कंडीशन चेक होगी टेम्प नेक्स्ट इक्वल टू हेड तो ये कंडीशन ट्रू है

तो अगर पोजिशन माइनस वन की नोट डब्ल्यू सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट में एग्जिस्ट नहीं करती तो फिर यह कंडीशन ट्रू हो गई और स्क्रीन पे प्रिंट हो गया इन पोजीशन। पोजिशन अब स्क्रीन पे मैसेज डिस्प्ले होने के बाद रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो प्रोग्राम का कंट्रोल ना सिर्फ इस इफ़ स्टेटमेंट से बाहर आएगा बल्कि इस फंक्शन को भी एग्जिट कर देगा और इस फंक्शन में जो तो ये लिखा हुआ कोड है ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा अब आप देखेगी यहाँ पेट पोजिशन फंक्शन को कॉल किया है क्योंकि पोजिशन माइनस वन की नोट यानी नोट सिक्स नहीं करती तो स्क्रीन पे मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा इन वैलिड पोजिशन और इसके बाद हमने प्रिंट फंक्शन को कॉल किया है तो डब्ल्यू सर्कुलर लिंक लिस्ट के फाइव एलिमेंट स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएंगे अब अगर आपने वो वीडियो देखी है जिसमें हमने डिस्कस किया था इंजर्शन एट स्पेसिफिक पोजिशन इन अ सिंगली सर्कुलर लिंक लिस्ट तो आप देख सकते हैं कि इंसर्टेड पोजिशन फंक्शन में सिंगली सर्कुलर लिंक लिस्ट के भी और डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट के भी इतना कोड तो सेम है बस डिफरेंस ये है कि डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट में हमने इस कोड को इफ स्टेटमेंट के बाद एंटर किया है और सिंगली सर्कुलर लिंक लिस्ट में हमने इस कोड को इफ स्टेटमेंट से पहले एंटर किया है बस डिफरेंस इस कोड का है कि सिंगली सर्कुलर लिंक लिस्ट में डिजाइड पोजिशन पे नोट को इंसर्ट करने के लिए हमने ये कोड एंटर किया है और डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट में डिजाइड पोजिशन पे नोट को इंसर्ट करने के लिए हमने ये कोड एंटर किया है तो इंसर्ट फंक्शन में भी ये जो हमने रिडंडेंट इनिशियलाइजेशन की है जिसमें हम न्यू नोट के नेक्स्ट और प्रीवियस पॉइंटर की वैल्यूज को नल से इनिशियलाइज कर रहे हैं अब चाहे तो इंसर्ट फंक्शन में भी इस कोड को स्किप कर सकते हैं अपने कोड को ज्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए जैसा कि हमने इन्जर्ट एट बिगनिंग फंक्शन में और इन्जर्ट एट एंड फंक्शन में किया था तो अगर मैं इन्जर्ट फंक्शन में इस रिडंडेंट इनिशियलाइजेशन को स्किप कर दूं और इन्जर्ट एट पोजिशन फंक्शन में अगर मैं इस कोड को इफ स्टेटमेंट से पहले एंटर करूं और अगेन प्रोग्राम को सेव करने के बाद रन करूं तो आप देख सकते हैं कि आउटपुट में कोई डिफरेंस नहीं है तो उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि अगर हमने डब्बी सर्कुलर लिंक लिस्ट के स्टार्ट में किसी नोट को इंसर्ट करना है तो कैसे करेंगे एंड में किसी नोट को इंसर्ट करना तो कैसे करेंगे और अगर किसी भी स्पेसिफिक पोजिशन पर न्यू नोट को इंसर्ट करना है तो कैसे करेंगे अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे